सकता हूँ। इसके बाद एक अंत संविधान तो आप बदल दीजिएगा, अब आपके सरकार बन रहे हैं तो संविधान बदल दीजिएगा। कौन कह रहा है? लोग तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के लोग। मैंने पहले भी कहा था ना कि संविधान किसने बदला है, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बदला है ना। आपने देखा होगा कि इस देश में इमरजेंसी लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जब श्रीमती गांधी को पार्लियामेंट की सदस्यता से रद्द कर दिया था, आपने देखा हो कि रातों रात इमरजेंसी लगा दिया। वो लोग अगर आरोप लगाते हैं तो एक गलत आरोप है। हम अपने सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। हम आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से, जनसंघ काल से हमारा मानना रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माथा पर कलंक का टीका था, काला टीका था। बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर हम इस बात को उठाएंगे, क्योंकि बुरका लगा के वोट गिराना मेरे ख्याल से लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति सभी कार्यकर्ता आशान्वित थे, लेकिन मन में कुछ द्वंद्व था, कुछ भ्रम था, जिसको दूर करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जो मधुबनी के विजेता हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, आज उनको सम्मानित कर रहे हैं साबित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, उनके आवास पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और विश्लेषण भी हो रहा है कि विधानसभा बार कौन सा बूथ इनको लीड दिया, कौन सा बूथ में थोड़ी कमी आ गई। एक नैरेटिव हम कहें कि जो इंडिया गठबंधन के नेता और खासकर मोहम्मद अशरफ फातमी ने जो परोसा था जनता के बीच, एक नैरेटिव कि जनता अशोक यादव के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, उस नैरेटिव को पार करते हुए 175,000 से अधिक मतों से इन्होंने जीत हासिल किया। अशोक जी, सबसे पहले आपको बधाई। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपको भी बधाई। आपने पूरी चुनाव पूरे क्षेत्र में घूम घूम के आपने अच्छी रिपोर्टिंग की है और जनता को भी आपने जागरूक किया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। अच्छा, एक नैरेटिव जो परोसा गया था, आपको लगा कि ये जो इंडिया गठबंधन के नेता खासकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा से मधुबनी चले गए थे, आपने बार बार कहा था कि उनको केवल MY समीकरण दिखता है, इससे दरभंगा छोड़कर मधुबनी आए, क्या प्रहार रहा, क्या उनको अब सोचना पड़ा होगा उनको? देखिए, खासकर मिथिलांचल में, मिथिला में यहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इलेक्शन का डेट आवे, जल्द से जल्द आवे, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और यही परिणाम निकला है कि आज यहाँ के लोग, चाहे दरभंगा के लोग हों, मधुबनी के लोग हों, झंझारपुर के मतदाता हों, मुजफ्फरपुर के मतदाता हों, इन लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिए। इसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग तो चुनाव जीते ही हैं और अच्छे मार्जिन से भी हम लोग चुनाव जीते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इन लोगों के पास आज नहीं, पहले से भी कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई विकास से मतलब रहा है। इन लोगों का तो मुद्दा एक ही मुद्दा रहता है, जातीय समीकरण रहा है और तुष्टिकरण की नीति पर चलने का ये लोग हमेशा चलते रहे। इस बार के चुनाव में भी मैं पहले ही कहता था कि राजद के जो प्रत्याशी अली अशरफ फातमी थे, एक ही कारण था चुनाव लड़ने का मधुबनी, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान और यादव की संख्या अच्छी खासी है। तो ये समीकरण बना के चाह रहे थे कि हम चुनाव जीत लें और लोगों को भरमा दें। उनको अब पता नहीं है कि अब वो 90 का दशक अब चला गया, जब ये लोग मिल के वोट का बूथ को छाप लिया करते थे, लोगों को मत से वंचित कर दिया करते थे। अब वो समय नहीं है, जनता जाग चुकी है और सब जानती है जनता कि हमें कहाँ मत देना है। और बहुत इन लोगों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, राजद के द्वारा बहुत तरह की अफवाहें फैलाई गई, तरह तरह के झूठ बोला गया, जो हो सकता था वो किया, धनबल का भी प्रयोग किया गया। लेकिन हम शुरू से कह रहे थे कि ये हारेंगे
और इस चुनाव के बाद फिर मधुबनी लौट के जाने वाले नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आगे से हम फिर मधुबनी से चुनाव लड़ें। अब परिणाम यही निकला जो हम शुरू से कह रहे थे, जो कह रहे थे वही परिणाम निकला है। मुस्लिमों को देखा गया, हमने खुद जो जाले के देवरा बंदूरी जहाँ घटना घटी वहाँ आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जीवेश मिश्रा जी के साथ, तो मुस्लिम एकजुट होकर के उन्होंने वहाँ वोटिंग किया, लेकिन इधर जो हिंदू हैं वो बट गए। इस बात की आशंका थी, वो यही चाह रहे थे इसमें तो सफल हो गया। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी क्योंकि अगर आरोप लगाते हैं तो एक गलत आरोप है। हम अपने सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, हम आज से नहीं भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से जनसंघ काल से हमारा मानना रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे माथा पर कलंक का टीका था, काला टीका था, एक धब्बा था। 500 वर्षों से हमारा संघर्ष हो रहा था और उस संघर्ष का परिणाम निकला कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे वोट का मतलब नहीं है। आपने देखा होगा जब जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था तो उस दिन जो हिंदू समाज था चाहे किसी दल से संबंधित रखते हों सारे के सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। अपने अपने गांव के मंदिरों में अष्टयाम हुआ, नवा हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, पूजा हुआ, सभी लोग किए थे, तो उत्साहित थे लोग भगवान राम के प्रति। हम कोई हिंदू और मुसलमान के लिए तो कर नहीं रहे थे, हम अपने सभ्यता संस्कृति को पुनर्जागरण के लिए जो दबाया गया था या हिंदू को दाब दिया गया था, मानसिक रूप से कमजोर कर दिया गया था। ये लोग जितने दिन तक सत्ता में रहे कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा तुष्टिकरण की बात करते रहे, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे, सब दिन करते रहे। इसका तो जीता जागता प्रमाण है ना। कई बार मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो क्या बोले थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का अधिकार है। और नरेंद्र मोदी जी जो भी काम किए हैं सबके लिए काम किए हैं, चाहे मुसलमान भाई क्यों नहीं हो, इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं सभी के लोगों ने काम किया सभी के लिए। तो हम तो कभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। हाँ, हम अगर हिंदुओं के अधिकार की बात करते हैं तो हमको संप्रदायी कहा जाता है। हम अगर कहते हैं कि रोड से हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्ति का जुलूस निकलना चाहिए तो क्या हम अपराध करते हैं क्या? ये सबका सड़क है, लोकतंत्र है, यहाँ सबका सड़क है, सबको वहाँ से जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जो लोग देवी देवताओं की मूर्ति को रोकता है सांप्रदायिक, तो असली सांप्रदायिक तो वो है, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक है। हम कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। बता दे कोई उदाहरण पूरे देश में कि मुसलमानों को सुविधा से कोई कहीं कोई वंचित किया गया है क्या? सब जगह उनको सुविधा दिया गया, जो भी सुविधा है। अपनी सुविधाएं गिनाने लगे तो काफी समय लगेगा, आपको पता है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, जात की राजनीति, तो ये लोग करते रहे। हम पर आरोप लगा रहे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, नकाब के पीछे वोटिंग जो हुई थी इस बार, तो आप लोगों ने कहा कि हम लोग जा करके इस बार रखेंगे इस मुद्दे को कि वहाँ पर जो पटासीन पदाधिकारी उनको भी नहीं देखने दिया गया, वहाँ बोकस वोटिंग हुई, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी कहा कि बच्चे कुछ वोट चले गए थे बोकस वोटिंग के, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो आप लोग इस मुद्दे को रखेंगे क्या अब, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तो आपको लगा कि तकनीक गलती हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, उचित प्लेटफॉर्म पर हम इस बात को उठाएंगे, क्योंकि बुरका लगा के वोट गिराना मेरे ख्याल से लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से जो बुरका बुरका की बात करते हैं, जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उसमें कहाँ बुरका लगाते हैं? जब फोटो खिंचाने की बात आती है तो वहाँ फोटो को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? बैंक में जाते हैं तो फोटो लेकर उसको दिखता है कि नहीं दिखता है? अन्य जगहों पर यह कहा है कि हम नहीं बुरका लगा के ही जाएंगे? जब सरकारी सुविधा या अन्य सुविधा लेने की बात होती है तो वहाँ बुरका की बात कहाँ होती है? बिल्कुल बुरके पर मतदान केंद्र पर बुरके पर रोक लगना चाहिए, या केंद्रीय अर्धसैनिक के बल हो, या उचित ऐसा कोई फोर्स हो, या सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा व्यवस्था करना चाहिए कि बुरके को उठा के पहचान करें, उनको आईडी कार्ड से उनकी जांच करें, तब मतदान करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग जाइए,
लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ हैं। सभी का कर्तव्य है कि आप जाइए मुसलमान के गांव में, आप वहां देखिए क्या है। गांव में वो लोग रहते हैं 30-35% रहते हैं, हेलो हाँ, लेकिन टाइमिंग नहीं दिख रहा। चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑडियो आ रहा है ना, ठीक। लेकिन अब मुद्दा विकास की बात है, क्योंकि मधुबनी की जनता, अब हमने एक बार चलाया था कि फातिमे जी ने कहा था वो अगर अशोक जी दिखा दे विकास तो हम नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, जिसमें जीवेश मिश्रा ने कहा कि आप तो वापस ले लीजिए, हमने जीना दिया पूरा। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि लोग कहेंगे अशोक जी हमारे घर पर आइए, ये सवाल आपको भी लगा होगा। अब आप हर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पहला सवाल होगा। देखिए अब जो है पहले से और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब प्रत्येक मतदाता या जनता की अपेक्षा है कि जन प्रतिनिधि मेरे घर पर आवे या हमसे उनकी मुलाकात हो। ये कोई सही बात है, लोकतंत्र का तकाजा है, क्योंकि अब जो वोट है उस वोट में अब ठेकेदारी प्रथा खत्म हो चुका है। पहले जमाने में हुआ करते थे कि गांव में कोई एक दो आदमी अगर कह देते थे तो पूरे गांव का वोट मिल जाता था। अब जनता जागृत हो चुकी है और वो चाहती है कि 1-to-1 हमसे मुलाकात हो। और सांसद का भी कुछ कठिनाई है कि एक एक जनता के पास पहुंचना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संसदीय कार्य होता है, क्षेत्र में होता है, पार्टी का काम होता है, तो एक एक दरवाजे पहुंचना थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। लेकिन जनता का डिमांड है, लेकिन जनता महान है, वोटर महान है। कि आपने इस चुनाव में देखा होगा, कई क्षेत्रों में देखा होगा, चूँकि आप घूमे हैं, प्रत्येक जगह यही कहना था कि सांसद आए नहीं, सांसद आए नहीं। लोगों को लगा होगा कि जो बोल रहे हैं सांसद आए नहीं, शायद उनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, कहीं कहीं सुनने को मिला, तेज आवाज़ सुनने को मिला। लोग कहे भी कि नहीं नहीं आप आए नहीं, लेकिन जितना अगर जो लोग जोर से भी अगर बोले हैं तो मतदान के दिन भी बूथ पर जाके नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जमकर उन्होंने मतदान किया है। और ये तो सामान्य बात है, जो समय मिलेगा जितना संभव होगा बिल्कुल जाएंगे, लोगों को बीच में जाएंगे। और विकास के और कौन कौन से मुद्दे हैं आपका मधुबनी के? विकास का नरेंद्र मोदी जी का एक ही है मुद्दा, बाकी हर जगह तो विकास हो रहा है, कि आम आदमी तक सरकार के द्वारा दिया गया सुविधा उनको पहुंच जाए। सबसे अंतिम पदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनको सुविधा मिले, तो वहाँ वहाँ जो कुछ कमी रह गई होगी उन सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। शहर में जो कंजेस्टेड सड़क है इसका मुद्दा उठाते रहे, इस बार भी लोग उस पर वोटिंग कर रहे थे, बहुत कंजेस्टेड था टाउन का पूरा। बाटा चौक से वो अतिक्रमण का मामला है, उसमें बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, लोग व्यवसायियों का मकान टूट जाएगा, व्यवसायिक केंद्र टूट जाएगा। एक कमचोरी रोड है, ये मास्टर प्लान बनाना बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से होता है, उसके भी प्रयास करेंगे क्या हो सकता है। तो देखिए अशोक यादव हैं, और खासकर बता दें कि इन्होंने चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी, और हम बता दें जो नैरेटिव परोसा गया था वो हमें जमीन स्तर पर देखने को नहीं मिला। हालांकि कई जगह यह कहा गया कि यादव मुस्लिम एकदम इंजेक्ट गए हैं और वो वोट डालेंगे, लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण हमने किया लगा कि 1,00,000 से मिनिमम वोट से वो जीत रहे हैं अशोक यादव। इसके बाद एक अंतिम, संविधान तो आप बदल दीजिएगा, अब आपकी सरकार बन रहे हैं तो संविधान बदल दीजिएगा। कौन कह रहा है? लोग तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के लोग। मैंने पहले भी कहा था ना कि संविधान किसने बदला है, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बदला है ना। आपने देखा होगा कि इस देश में इमरजेंसी लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जब श्रीमती गांधी को पार्लियामेंट के सदस्यता से रद्द कर दिया था, आपने देखा हो कि रातों रात इमरजेंसी लगा दिया। संविधान तो ये लोग बदलते रहते हैं। सहवानों में बड़ा मामला कांड था, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस निर्णय को पार्लियामेंट के द्वारा बदल दिया गया, किसने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है? आपने देखा होगा कैबिनेट में पास था, एक आया कैबिनेट में कि जो सजा याप्त है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, कैबिनेट के द्वारा पास था। कौन उस कैबिनेट के फैसले को फाड़ा? ये राहुल गांधी फाड़े हैं। कौन संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा है? ये तो यही लोग करते रहे ना,
भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण कोई बता दे, एक उदाहरण बता दे कि जो हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, कहीं नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी काम हुआ है संविधान के दायरे में काम हुआ है, और आगे भी जो काम होने वाला है उस संविधान के दायरे में ही काम करेंगे हम लोग। आप जा रहे हैं दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह, संभवतः 8 तारीख को होने वाला है मोदी जी के, कब जा रहे हैं दिल्ली और क्या? आज ही निकल रहे हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह और कई भी कार्यक्रम होगा वहाँ, पहले संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा उसमें रहेंगे। तो देखिए तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर साथ में हैं जो लगातार डॉक्टर अशोक यादव को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें मिठाई खिला रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, और खासकर ये कहा जा रहा है कि आज के समय में जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर एक नरेटिव परोसा गया था, जो नरेटिव निश्चित तौर पर बीजेपी को जीत दिलाई। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे। धन्यवाद।